आज हम देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का, क्या यूज है, ठीक है, जो कि जॉइन के लिए भी यूज होता है और एडिशन के लिए भी यूज होता है, स्ट्रिंग्स को जॉइन करता है, कैसे जॉइन करता है, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो हम एक नई फाइल बनाएंगे, लेक्चर 3, फाइल सेव एज, लेक्चर 3.1 .html लिखना लाजमी है, ठीक है, .html, और मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, जो कि स्क्रिप्ट टैग है HTML का, ये HTML फाइल है और उसको स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं, प्लस साइन का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे जो है ना यूज़ होता है। तो बेसिकली मैं लेट करूँगा a=1, ठीक है, और लेट b=2, तो मैं लेट c=a+b अगर मैं ये करूँ, और मैं लिखूँ अलर्ट सी, तो ये सी जो है ये अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये 3 आ गया, ठीक है, दोनों को ऐड करके उसने डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में करूँगा 1 को, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में, तो अब ये 1-2 नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये 1-2 नंबर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 10 करता हूँ, इधर 20 करता हूँ, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे बल्कि जॉइन होंगे। तो अब देखते हैं इसको, कंट्रोल आर, तो इसने जॉइन 10 और 20 दोनों जॉइन करके दे दिए, प्लस प्लस का मतलब जॉइन भी होता है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आउटपुट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं आउटपुट करना चाहता हूँ कि सी की क्या वैल्यू है, तो मैं सी ऐसे कर सकता हूँ, या अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं एक में 10 ऐसे करता हूँ, 10, ठीक है, और 20 इस तरह करता हूँ, और मैं ए और बी को दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, तो मैं करूँगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, ए क्या है, 10, 10 तो डिजिट है, वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, और प्लस बी का मतलब है जॉइन कर दो 20 को, ठीक है, तो मैं कंट्रोल आर करूँगा और 10 और 20 दोनों आ गए, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि बी को पहले करूँ और प्लस करूँ ए को, ठीक है, प्लस करूँ ए को, तो अब क्या आएगा, बी 20 उसी तरह लिखा हुआ आएगा, प्लस ए यानी 10 भी उसी तरह, 10 बाद में आ जाएगा, ठीक है, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो 20 पहले आया, 10 बाद में आया, ठीक है। अच्छा, मैं अगर ए और बी को ऐसे प्रिंट करवाना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली और लास्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, अली अहमद, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये लिखूँगा फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल की कन्वेंशन याद करें, ए और प्लस लास्ट नेम, तो ये दोनों स्ट्रिंग हैं, दोनों जुड़ के आ जाएंगे। अभी देखते हैं, कंट्रोल आर, ये देखें अली अहमद, कोई स्पेस नहीं है दरमियान में। अगर मैंने स्पेस देनी है तो स्पेस क्या होता है, स्पेस डबल कोट्स इस तरह स्पेस होता है, तो स्पेस भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स में है, या सिंगल कोट्स में एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को एक और स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए प्लस यूज होता है। अब पहले वाले स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए मैंने यहां पे प्लस यूज किया, और आखिरी वाले स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए ये वाला प्लस यूज किया, ठीक है। अभी भी मैं एम्प्टी कोट्स दूंगा, एम्प्टी है ये जो है ना एम्प्टी कोट, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो कंट्रोल आर, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसमें स्पेस दूंगा स्पेस, तो वो स्पेस हमें नजर आएगी आउटपुट पे, ठीक है, ये कंट्रोल आर, वो देखें नजर आई है एली अहमद, ठीक है। नाउ ये हमें समझ आ गई कि ये जो है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है, अली और अहमद दोनों प्रिंट हो गए। अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल एक डिजिट लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ एक डिजिट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1, और मैं इधर लिखता हूँ ए, इधर क्या लिखता हूँ ए, तो क्या होगा, डिजिट उसी तरह प्रिंट हो जाएगा। मैं इस कोट्स को भी हटाता हूँ,
इस कोट्स को भी हटाता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ए, ठीक है, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो वो फर्स्ट नेम वन आ जाएगा। देखें यहाँ पे कंट्रोल आ अली अली और वन आ गया, ठीक है वन। अगर मैं इसमें स्पेस देता हूँ तो स्पेस एक स्ट्रिंग है और अगले स्ट्रिंग डिजिट से जोड़ने के लिए प्लस यूज़ होगा, और दरमियान में स्पेस दूंगा तो पहले वाले स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए ये वाला प्लस, आखिरी वाले डिजिट से जोड़ने के लिए ये वाला प्लस, तो दोनों जो है जो जुड़ गए हैं और दरमियान में ये देखें दरमियान में स्पेस आ गई। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, मैं दो डिजिट, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट राइट में लिखते कैसे हैं। मैं लेट करूँगा ए इज इक्वल टू वन, मैं लेट करूँगा बी इज इक्वल टू वन। तो नॉर्मली हम पहली बात ये सीखते हैं कि नई लाइन कैसे क्रिएट करते हैं आउटपुट पे। तो मैं लिखता हूँ ए और डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, बी ये बी किया और मैंने कंट्रोल आर किया तो वन वन आ गया दोनों। मैं इसको टू करता हूँ, ठीक है टू, तो ये जो है वन टू, वन टू उसने घटा क्यों, बी आर नहीं है, तो मैं इधर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर। बी आर क्या है, एच टी एम एल टैग है, ये ब्रेक करेगा, पहले वन प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, उसके बाद ब्रेक देगा न्यू लाइन करेगा, उसके बाद टू प्रिंट करेगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ वन और टू, ठीक है ये इस तरह आ गया वन और टू। अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये बी आर यहाँ से उठा के, ये बी आर यहाँ से उठा के मैं इधर लिख दूँ कंट्रोल सी और इधर लिख दूँ इधर, तो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना, बी एक डिजिट है, तो स्ट्रिंग को डिजिट से जोड़ने के लिए क्या यूज़ होता है, प्लस साइन, तो मैं प्लस यूज़ करूँगा और ये लाइन मैं ख़त्म कर दूंगा, इस लाइन की ज़रूरत एक लाइन, यानी हमारा कोड वैसा ही है, कोड हमारी आउटपुट वैसी ही है लेकिन कम इंस्ट्रक्शंस के साथ हम कर रहे हैं तो स्पीड वाइज ये बेटर होगा। तो ये बी आर पहले मीन्स ए को प्रिंट करो, उसके बाद बी को प्रिंट करने से पहले बी आर दो और उसके बाद बी को प्रिंट करो, तो कंट्रोल आर यही आउटपुट आएगा। अगर मैं इसमें 20 करूँगा तो 20 नई लाइन में आ जाएगा, ये देखिए 20 नई लाइन में आ गया, ठीक है। ये तो एक तरीका है, यानी ये एक स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी स्ट्रिंग आप दे सकते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि ये जो है ये था हमारा प्लस ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स और डिजिट्स को कैसे जोड़ते हैं आपस में। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र रोल ऑफ यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो हम करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जो यूज़र को नज़र आए। ये देखिए ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें कितने ज़बरदस्त ये आइकॉन है, सारी कुछ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ ये ओपन हो जाता है, ये सब यूज़र यूआई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाइट कलर में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में है, यहाँ पे प्लस में नई टैब ओपन हो जाती है, यहाँ पे मैं आता हूँ ये देखिए ये ब्लैक कलर में है, ये थोड़े और कलर में है, इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाता है, इसको क्लिक करता हूँ फाइल आ जाती है, फाइल को क्लिक करता हूँ, ये सब यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। अगर यूज़र इंटरफेस ये चीज़ है कि यूज़र अगर मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा तो पैसे देगा, सिंपल। अगर मेरा सॉफ्टवेयर यूज़र यूज़ ही नहीं कर सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो ज़्यादा नहीं बिकेगा। व्हाट्सएप हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इजी टू यूज़र टच है, एकदम से हम ऐड कोई नाम एंटर किए, लिस्ट किए, इधर किया, सर्च किया, फलाना किया, एकदम से सारी चीज़ हो जाती है, लिहाजा व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जीमेल क्यों यूज़ होता है, ये हम एडिटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों, इसमें यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे कलर्स हैं, कीवर्ड्स के कलर्स आ जाते हैं, ये इसके डिफरेंट कलर्स हैं, कोडिंग करने में आसान है, तो मैं कोई और एडिटर यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं किसी विजुअल स्टूडियो कोड में भी जा सकता हूँ, लेकिन ये विजुअल स्टूडियो कोड या ये क्यों हम यूज़ करते हैं ज़्यादा सबलाइम टेक्स्ट, क्योंकि ये ईजी टू यूज़ है। तो यूज़र इंटरफेस अगर आपने प्रॉफिट बढ़ाना है, अपना सॉफ्टवेयर को, अपनी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़र तक पहुँचाना है, तो उसको ईजी बनाएंगे, ठीक है। ईजी कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये आप देखेंगे मैं इसमें जो है मैं इसमें ऐसे करूँगा कि इसको यूज़र फ्रेंडली बनाऊँगा। अब ये नज़र तो आ रहा है कि ए और बी है, लेकिन ए और बी क्या हैं, मैं अगर इनको डिफाइन करूं तो मैं इधर अगर मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू ये करके और प्लस कर दूं तो यूज़र को नज़र आएगा कि ये ए एक कोई वेरिएबल है, और इधर मैं करूंगा बी इज इक्वल टू
ठीक है, तो बी इज इक्वल टू ऐसे ही प्रिंट होगा, ठीक है, और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आगे। तो नाउ ये जो है ना ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये अब बेटर यूजर इंटरफेस है पहले से। फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी को 10 कहता हूँ और ए की वैल्यू मैं ऐसा करता हूँ कि बी आर को कन्फ्यूजिंग है, इस वजह से मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि बी आर गया और ये गया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ बी आर, यहाँ पे मैं इस सारे की जगह एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ बी आर, ठीक है, ये बी आर है, बी इज इक्वल टू 1, कंट्रोल आर, ये इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू। अब देखें मैं अगर करूँगा लेट, अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ लेट सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, आउटपुट दे देगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल बी, तो यहाँ पे सी दे दूँगा, तो सी इज इक्वल टू बेसिकली सी की जो वैल्यू है, तो सी इज इक्वल टू बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट होगा और उसके साथ जुड़ के आ जाएगा सी की जो वैल्यू है जो इधर प्रोसेस हुई है, ठीक है, यानी 30। तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो सी इज इक्वल टू 30। अब नई लाइन इसमें नहीं है तो मैं नई लाइन बनाऊँगा, नई लाइन कैसे बनाऊँगा, इधर में इससे पहले बेसिकली एक नई लाइन बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये सी इज इक्वल टू 30 आ गया। अभी भी ये एम्बिग्यूटी है, ये सी क्या है, 10 प्लस नज़र आ रहा है कि ये 30 है, मे बी प्लस हुआ हो, वाई नॉट कि मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू करूँ, ऐसे ऐसे यूज़र को बता दूँ कि यार बात यह है कि जो ए और बी की वैल्यू है वो उसको मैसेज भी दे दूँगा ए प्लस बी हो रहा है, कंट्रोल आर, ये देखें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी 30, नाउ वेरी गुड। ये बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस है जो कि यूज़र को बिल्कुल समझ आ रही है कि बेसिकली ए और बी को वो ऐड कर रहा है, ठीक है। नाउ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्रोल एक्स और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ और कंट्रोल वी इससे भी पहले करूँगा ये, ठीक है, तो ये बी आर दिया, नई लाइन में जाओ और फिर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी करता हूँ और सी को प्रिंट करवा देता हूँ, सी को क्या किया प्रिंट करवा दिया, ठीक है, सी को फिर प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल आर, ये देखें अभी ए माइनस बी यूज़र को ए माइनस बी नज़र आना चाहिए, तो उसको क्लियरली नज़र आना चाहिए कि ये देखें ए माइनस बी, ए से 10 माइनस 20 माइनस 10 आ रहा है, उसको नज़र आ रहा है कि ए माइनस बी है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो मैं बी आर करके कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं बी आर करूँगा, बी आर करके सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी करूँगा और सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी हो जाएगा, और इधर मैं नीचे करूँगा सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी और यहाँ पे मैं करूँगा ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, फिर मैं करूँगा सी इज इक्वल टू ए रिमाइंडर बाई बी, तो ए रिमाइंडर हो जाएगा, ये रिमाइंडर क्या होता है परसेंट साइन, जो बाकी बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो ये वाला ये क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन जिसे मल्टीप्लाई करके आपने देना होता है, और जो रिमाइंडर रिमेनिंग है बाकी है वो इसमें आएगा, ठीक है। हम देखते हैं कैसे आता है रिमाइंडर को, मैं इसको ऑपरेटर लगा देता हूँ रिमाइंडर इधर, ठीक है, ये तमाम लैंग्वेजेस में रिमाइंडर ऑपरेटर यही होता है, ठीक है, कंट्रोल आर, ये देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई और ए डिवाइडेड बाई बी 10 आया है, ठीक है, रिमाइंडर बी, तो ये जो है ना 10 आया, ठीक है, रिमाइंडर बाकी बचा है 10, ठीक है, तो 0.5 आया ए डिवाइडेड बाई बी, 0.5 आया। तो ये हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जो कि हमने इधर बनाया, और मेक कैलकुलेटर विद बेटर यूआई, अभी भी ये बेटर यूआई नहीं है, ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि इसको बेटर यूआई बनाते हैं, मेक कैलकुलेटर विद बेटर यूआई। मैं इस फाइल को ये जो फाइल है ये जो 3.1 है इसको मैं फाइल सेव है तो इसको मैं 3.2 करूँगा, 3.2, ठीक है, 3.2 करके इसको मैं ये करता हूँ, 3.2 में मैं बिल्कुल चेंज कर लूँगा इसको, इसको मैं ए और बी दोनों प्रिंट करवा के यहाँ पे मैं इसको देता हूँ एडिशन। अगर मैं ये दे दूँ एडिशन तो ये बेटर हो जाएगा, एडिशन इसके अंदर आप कुछ भी लिख देना वो आ जाएगा, ये देखें ये लिखा है ना, ये एडिशन आ जाएगा। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है, जो चीज़ भी ये देखें वो सारा उसने प्रिंट करवा दिया और आखिर पे डिजिट करके डिलीट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, तो ये एडिशन आ गया। मुझे जो है ना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देना है, सब्ट्रैक्शन ये सब्ट्रैक्शन दिया, उसके बाद क्या देना है यहाँ पे मैं
मल्टीप्लीकेशन दूंगा। सब्ट्रैक्शन के बाद ऊपर कॉलन लगाया है ना एडिशन में, इधर भी कॉलन यूज करेंगे ताकि यूजर को सेम पता चले मल्टीप्लीकेशन। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यूजर हमारी एप्लीकेशन यूज करेगा तो पॉपुलर होगी। तो यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए हमारी ऐप, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है, तो फिर पैसे बनेंगे और हमें तनख्वाहें मिलेंगी और हमारे बोनसेज होंगे। अगर एप्लीकेशन सही नहीं बनाएंगे, यूजर फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम है। डिवीजन रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर कंट्रोल आर, ये देखें एडिशन 30 बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, वेरी गुड। अगेन अगर मैं यूजर को ये कहूँ कि यार ये ऐप तो है लेकिन आप देखें कि ये ऐप है, ये जबरदस्त किस्म का ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ, यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट है तो ऊपर जबरदस्त किस्म का उसने आइकॉन दिया हुआ है, ये बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है ये सबलाइम, ठीक है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। ये देखिए ये ऊपर क्रॉस का साइन है कि ये फाइलें आपने यूज़ की हैं, बड़ा अच्छा उसने कलर सारा कुछ किया हुआ है, तो मैं आसानी से यूज़ कर रहा हूँ। ये देखे उसने बाहर दी हुई है कि इसको जो है ना ऐसे ऐसे करो, तो ये जो है ना मैं कर सकता हूँ। तो वाई नॉट कि हमारी ऐप जो है, हमारी ऐप ये जो ऐप है इसमें मैं कैलकुलेशन इस तरह की करूँ कि थोड़ा सा बेटर यूज़र इंटरफेस करूँ। वो बेटर कैसे करूँगा, मैं टॉप पे यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं ये दे देता हूँ, ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल सी और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर कर देता हूँ, ब्रेक करें, ब्रेक इधर क्या करें, नई लाइन में आए, यानी ब्रेक करें, एचटीएमएल का ब्रेक टैग एग्जीक्यूट होगा आउटपुट पे, ठीक है। फिर इधर क्या होगा, इधर जो है कंट्रोल सी, और इसके बराबर यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे के मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है, इस तरह लिख देता हूँ, ये स्पेस इस तरह बराबर कैलकुलेटर आ गया। उसके बाद मैं ये वाली लाइन जो है ये मैं ये कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा, तो ये जो है ये और बेटर हो जाएगा। ये देख ये कैलकुलेटर आया लेकिन नई लाइन में नहीं आया, ठीक है, तो मैं इसमें कंट्रोल सी और यहाँ पे इससे पहले नई लाइन करूँगा और कंट्रोल आर, ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। अभी भी मैं नई लाइन करूँगा, इधर भी नई लाइन करूँगा, इससे पहले नई लाइन बी आर की, ब्रेक किया, ये देखें ये कैलकुलेटर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। ये देखें कि ये एक कैलकुलेटर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। नॉर्मली हमें इस एप्लीकेशन की तो समझ आए लेकिन कुछ एप्लीकेशन होती हैं उनकी समझ ही नहीं आती अगर इंटरफेस सही ना हो। तो कैलकुलेटर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है जी, कैलकुलेटर है यहाँ पे, ज़बरदस्त, गुड। फिर मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं इसको, अगर मैं इसको बोल्ड करूँ, फॉर एग्जांपल मैं बी टैग में इसको रख दूँ, इसको भी बी टैग में और इसको भी बी टैग में रख दूँ, तो ये बोल्ड नज़र आएगा और बेटर हो जाएगा। ये देखें ये कैलकुलेटर बोल्ड हो गया। अगर मैं और अच्छा करना चाहूँ इसको, तो मैं इसको करता हूँ जी फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल सिंगल कोट्स में मैं कहता हूँ कलर इज इक्वल टू ग्रीन, फॉर एग्जांपल ग्रीन है, ठीक है, और ये कैलकुलेटर को मैं फॉन्ट इधर जैसे आप एचटीएमएल में करते हैं फॉन्ट करता हूँ, तो ये और अच्छा इंटरफेस हो जाएगा यूज़र के लिए, गुड। ये देखें ग्रीन हो गया, ज़बरदस्त। लास्ट पे मैं मैसेज दे देता हूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, एक अच्छा मतलब मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल वी, थैंक यू फॉर योर बिजनेस या यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी आर करूँगा नई लाइन में करके ये इसको कोर्स को बंद किया, और यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा थैंक यू फॉर यूजिंग आर सॉफ्टवेयर ऐप। वैसे ऐप तो सॉफ्टवेयर ही है लेकिन हम थैंक यू फॉर यूजिंग। अब इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे एक और बी आर होनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैजेंटा, और यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करता हूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग आर सॉफ्टवेयर ऐप, ये जो है ना, या हम कह देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग आर कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है ना, तो इसकी जगह कैलकुलेटर ऐप,
इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज सेंड अस ऑन दिस नंबर या ईमेल अस या कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक है। इसी तरह मैं अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन को बोल्ड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ और इधर जाके मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को बोल्ड कर देता हूँ, मैं बी करता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, तो ये एक हमारा बड़ा अच्छा जो है ना पहले से बेटर जो है, यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर भी बोल्ड कर देता हूँ, इस बोल्ड को यहाँ पर क्लोज करूँगा, इसी तरह मैं इधर बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर दिया बोल्ड और यहाँ पे बोल्ड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड इसको भी कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं बोल्ड, और लास्ट को रिमाइंडर को भी हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दिया और इसको भी बोल्ड कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल आर करूँगा, तो ये देखिए ये पहले से बेटर यूआई के साथ हमारा ये आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटर टैग के अंदर इसको करता हूं, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, ठीक है, वैसे सेंटर अब यूज़ नहीं होता एचटीएमएल में, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको ऐसे करूं कि एक डिव में डाल दूँ, क्या करूँ, एक डिव में डाल दूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल लगा लेता हूँ, आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू मैं इसको बेसिकली इस डिव को मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन मैं विड्थ दूँगा, विड्थ जो है वो 20 VW, मैं विड्थ 100 VW यूज़ करूँगा और हाइट जो है वो होगा 140 VH, ठीक है, और मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देता हूँ ब्लैक, और मैं देता हूँ कलर वो देता हूँ येलो, ठीक है, एक डिव है और डिव को ये यहाँ पे क्लोज और इसको मैंने क्लोज कर दिया, डिव ओपनिंग डिव है, इसी डिव को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ आखिर पे, ठीक है, कंट्रोल वी और यहाँ पे मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, जिस तरह HTML में क्लोज करते हैं, लेकिन ये डिव प्रिंट करवाना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट आखिरी, ठीक है, तो इस डिव और डिव के अंदर सारी बाकी HTML है, कंट्रोल आर करूँगा तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, तो ये 100 विड्थ का ये बन जाएगा, वाई नॉट के मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ, तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा, मे बी वो अलाइन सही ना हो तो मैं इधर टेक्स्ट अलाइन करूँगा, सेमी कॉलन डाल के टेक्स्ट अलाइन और सेंटर करूँगा और ये कंट्रोल आर, तो ये सेंटर में आ गया, अभी ये इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, कुछ बेटर है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी ये जो है ना अभी भी हमें इसकी अलाइनमेंट टेबल लगा लें और डिव्स यूज़ कर लें, डिव तो आपको आना चाहिए ना, अगर जावास्क्रिप्ट आप कर रहे हैं तो आपको डिज़ाइन मस्ट है, अगर आपको HTML नहीं आता, CSS नहीं आता, जावास्क्रिप्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को इसलिए यूज़ करते हैं CSS, HTML और इसमें डायनामिक करने, बटन क्लिक्स, ठीक है, चीज़ों को जो है ना रोटेट करना, एनिमेट करना, ठीक है, चीज़ों को इधर उधर मूव करना, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में डायनामिकली करेंगे लैंग्वेज के थ्रू, जो कि CSS में पॉसिबल नहीं है, जो कि HTML में पॉसिबल नहीं है, वो हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ठीक है, कि एक आइकॉन इधर एक स्लाइडर चल रहा है, इधर एक ऐड चल रही है, इधर आपने मैसेज पोस्ट किया, उधर स्पिनर लगा हुआ है, ऊपर जो है ना आपकी आप वीडियो चैट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जो है ना आप दूसरी मैसेजिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ ऑल जावास्क्रिप्ट ऑन वन वेब पेज, एक जो HTML का पेज हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं उसका, तो ये क्या करता है, तमाम डिव्स को मैनिपुलेट करता है, तमाम टैग्स को मैनिपुलेट करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये हमारी ऐप थी, कैलकुलेटर ऐप, ठीक है, तो ये इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन पहले से बेटर यूज़र इंटरफेस, और ये कोई भी देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि ये जो है ना अभी भी ये थोड़े से लेफ्ट अलाइन होने चाहिए प्रॉपरली, आप कर लेंगे आपको डिज़ाइन, क्योंकि ये डिज़ाइन की क्लास नहीं है बेसिकली, जावास्क्रिप्ट की क्लास है, ठीक है, तो ये है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 100 VH ये इस तरह दे सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक क्लास बना लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लास बना लूँ स्टाइल में, अगर मैं इधर स्टाइल बना लूँ और इधर जो है मैं ये वाली जो चीज़ है मैं इसको उठा के इधर यहाँ पे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे दे दूँ और इसको कह दूँ UI नाम दे देता हूँ, यूज़र इंटरफेस फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं ये जो है यहाँ पे ये करता हूँ और यहाँ पे ये करता हूँ और इसके बाद ये करता हूँ और उसके बाद ये जो है
ये क्लास बन गई, और इधर मैं स्टाइल के बजाय क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं यू आई दे देता हूँ, ठीक है। और यू आई में अब क्या होगा, कंट्रोल आ, वही चीज़ आई है ना, ठीक है। मैं इसको 100 भी एज करता हूँ, 100, तो ये क्या होगा, कंट्रोल आ, ये देखें 100 पूरे पूरे पे आ गया, ठीक है। मैं मार्जिन ड्रॉप देता हूँ इसको, मार्जिन मार्जिन टॉप देता हूँ 30 VH, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगी, सॉरी ये मार्जिन टॉप इसको नहीं दूंगा, बेसिकली मार्जिन टॉप एक और डेव में ये डालना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, आप कर लेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप मैं इसको पैडिंग टॉप दूंगा, पैडिंग टॉप 30 VH, तो फिर क्या होगा कि पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप, और कंट्रोल आर, तो ये इस तरह पैडिंग टॉप, तो ये हमारे सेंटर में आ गई एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा कैलकुलेटर हमारा बन गया है, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे भी और क्लास यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर को और बेटर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कैलकुलेटर क्लास है हमारी, उसमें मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, और कलर जो है वो ब्लैक, और फॉन्ट साइज़ जो है वो है 30 px, फॉर एग्जांपल ये करता हूँ, ठीक है। और कैलकुलेटर को मैं यूज़ कैसे करूँगा, मैं इधर कैलकुलेटर से पहले ये जो है ना ग्रीन ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिखूँगा डेव क्लास इज इक्वल टू, क्या नाम रखेंगे क्लास का, कैलकुलेटर क्लास का नाम है ना, तो इसको करके मैं इधर बोल्ड भी हटा देता हूँ, बोल्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डेव, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये देखें ये पूरा जो है ना कैलकुलेटर बोल्ड हो गया, ठीक है, ये ब्लैक कलर में येलो कलर में इस तरह कैलकुलेटर बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम जो है इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटर यूज़र इंटरफेस, जितना अच्छा यूज़र इंटरफेस होगा इतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है, हमारा इतना ही अच्छा ये करेंगे। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर, मेक अ कैलकुलेटर विद बेटर यूआई। और हम एक और काम भी कर सकते हैं कि ये 10 और 20 डायनामिक कर दें, ठीक है। 10 और 20 डायनामिक कैसे करेंगे, वो कर लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें कर ली हैं, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, इधर प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, ये थोड़ा सा और डायनामिक हो जाएगा, यूज़र ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है, ये बात है ना। एंटर अनदर नंबर, ठीक है, ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है आप उसको वो करें, लेकिन यूज़र इंटरफेस ज़ाहिर है, हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐप बना रहे होते हैं तो हम बेसिकली प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं ना, जिससे हमारी बिजली के खर्च, हमारे जो ना एम्प्लॉइज़ के खर्चे, हमें प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो पैसे आएंगे, तो कुछ आगे हम नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं पैसे की इसका ये मतलब नहीं है ना समझना कि ये जो है कोई लालच यही है, लेकिन ये हमारा जाहिर है फ्रीज़ है, एक बार समझ के हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और यहाँ पे इसने कहा 100, मैं करता हूँ और 200, तो ये डायनामिक कैलकुलेटर बन गया, ये देखें 100 और 200, और एडिशन 100 200 आ गई है। ये गलत आ रहा है, एडिशन 100 200 क्यों आ रहा है, एडिशन 200, क्योंकि मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, नंबर में इधर ही कन्वर्ट कर देते हैं कि जो प्रॉम्प्ट आए उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, एक तरीका ये, ठीक है, इधर नंबर में कन्वर्ट कर दो, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और इसको जो है ना कंट्रोल आर मैं करता हूँ 100 और 10, और ये देखें 110 110। अब अभी इसको और अच्छा कर लेते हैं कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये जो ए वेरिएबल है इसको नंबर में कन्वर्ट करो, नंबर ए को नंबर में कन्वर्ट करो और ए में डाल दो, बी को नंबर में कन्वर्ट करो और बी में डाल दो। तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से मैं हटा देता हूँ इधर, ठीक है, इधर से मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है। तो ये जो है ना ये कर दिया, तभी रिजल्ट सेम आएगा। मैं कहता हूँ 10 और 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 20 30, सारे रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर तो हम इसी तरह ऐप्स बनाएंगे साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारा क्विज भी होगा,
और हम देखेंगे कि असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।